हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंचिया ब्रेनडी। सो आज के वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का अभी रिसेंटली पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें हम जो वेजिटेबल साइंस का 2022 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। आई होप ये जो वीडियो एक तरह से आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करेगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल साइंस, चाहे वो ICRSRF के थ्रू कर रहे हैं या जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो हैं अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेती हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ में जो लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर IPPS का जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होता है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम था वेजिटेबल साइंस में 2022 में जो हुआ जबलपुर आपका जो JNKBB है यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन थे, तो 100 के 100 आपको करने थे, तो हम डिस्कस करेंगे 100 के 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि एडिबल पॉडेड पी इज बोटेनिकली, जो एडिबल पॉडेड पी है उसको बोटेनिकली हम क्या कहते हैं, तो दैट इज योर पाइसम स्टाइबम बार मैक्रोकार्पन होता है। होमियोस्टेसिस दैट लीड्स टू एडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इज नॉट फेवर्ड बाय, होमियोस्टेसिस जो फिनोमेनन है जिसकी वजह से अडेप्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी आती है, तो इस फिनोमेनन को कौन सा इसमें से सिस्टम है जो फेवर नहीं करता है, तो दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज द अर्ली वराइटीज ऑफ पी, अब पी की जो अर्ली वराइटीज है जैसे कि ज्वार मटर 3, ज्वार मटर 4 और मिड सीजन वराइटीज हैं ज्वार मटर 1 और 2, तो ये कौन से ब्रीडिंग प्रोसीजर से डेवलप की गई, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पेडिग्री सिलेक्शन से। नेक्स्ट है ए सोर्स ऑफ हाइएस्ट लेवल ऑफ नेचुरल इंसुलिन, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि सोर्स है नेचुरल इंसुलिन का, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, इंडियन गॉड। नेक्स्ट है आपका इन हॉट पेपर मार्किस रिएजेंट दैट इज 1% वैनेडियम ऑक्सीट्राइक्लोराइड इन CCl4 इज यूज टू टेस्ट, तो जो आपका चिल्ली होता है हॉट पेपर उसमें मार्किस रिएजेंट को यूज करते हैं, तो किस चीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये जो रिएजेंट है, फ्लेवर को, कैप्सेंथिन को, विटामिन सी को या पंजेंसी, तो राइट आंसर है आपका डी, पंजेंसी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द क्रूसीफर्स रेडिश एंड स्वीट पोटैटोज, मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है इन क्रूसीफर में, रेडिश में और स्वीट पोटैटो में, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, व्हाइट रोट्स, एक्चुअली जो स्केलेटेनियस से होता है ना आपका बाटरी सॉफ्ट रोट जिसको हम कहते हैं, या स्केलेटेनियस स्केलोशियरम से जो होता है व्हाइट मोले व्हाइट रोट भी कहते हैं इसको, तो ये आपका क्रूसीफर वेजिटेबल को भी इफेक्ट करता है, रेडिश को भी और स्वीट पोटैटो में भी आता है, राइट? नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंडिजिनियस हाइब्रिड ऑफ कैबेजेस KGMR1, जो कि SI बेस्ड हाइब्रिड है कैबेज का, IRA कटराइन से डेवलप किया गया था, अभी इसका नाम जो है पूसा कैबेज हाइब्रिड 1 है, राइट? विच वन ऑफ दीज बीन्स इज हर्कोगैमस स्पीसीज, इनमें से कौन सी बीन स्पीसीज है जिसमें हर्कोगैमी पाई जाती है, तो दैट इज योर लिमा बीन, जो कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड भी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज ट्राई इन CGM सिस्टम ऑफ अनियन, साइटोप्लाज्मिक जीनिक मेरिस्टेटिक सिस्टम होता है अनियन में, तो इसमें से स्टराइल जो जीनोटाइप होगा जो आपकी फीमेल लाइन होगी तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो इसमें याद रखिएगा क्योंकि न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्म की इंट्रेक्शन से होता है, तो इसमें जो स्ट्राइल वाला होगा उसका जीनोटाइप होगा SmSS, राइट? नेक्स्ट है अल्टरनेट कलर्ड एंड व्हाइट सर्कल्स इन बीट रूट व्हेन स्लाइस्ड ड्यू टू, तो बीट रूट में जो अल्टरनेट कलरफुल या जो व्हाइट सर्कल आते हैं, अल्टरनेट जो सर्कल आते हैं उसमें, तो वो किस वजह से होते हैं, इसका राइट आंसर है आपका हाई टेम्परेचर की वजह से होते हैं, राइट? नेक्स्ट है आपका जीनोटिपिक कोरिलेशन इज ड्यू टू, जो आपका जीनोटिपिक कोरिलेशन होता है वो उसका कारण क्या होता है, प्लियोट्रोपी लिंकेज प्लियोट्रोपी एंड लिंकेज, तो जीनोटिपिक कोरिलेशन जो होता है याद रखना प्लियोट्रोपी और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम दोनों की तरफ से होता है। कैबेज वैरायटी विद पेकुलियर पकर्ड लीव्स एंड रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट, इनमें से कौन सी वैरायटी है कैबेज की जो कि ब्लैक रोट के लिए रेजिस्टेंट भी है और पक्कड़ टाइप के लीव्स होते हैं इसमें, तो नेचुरली बात है ब्लैक रोट की बात हो रही है, तो अब सीधा आपको ध्यान आ जाएगा कि पूसा मुक्ता। नेक्स्ट है आपका बोटेनिकली द फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज, ब्रिंजल के फ्रूट को कहते हैं बेरी। व्हाइट अनियन वराइटीज इनमें से कौन सी जो है व्हाइट कलर की वराइटी है अनियन की, तो दैट इज योर उदयपुर 102। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन लीड्स टू हिट्रोसिस ड्यू टू एपिस्टेसिस, जो एपिस्टेसिस की वजह से हिट्रोसिस फिनोमेनन होता है, तो कौन सी इंट्रेक्शन इसको फेवर करती है, तो राइट आंसर है आपका ए, इसमें ए वाला है डोमिनेंस एंड एडिटिव एडिटिव, राइट? नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज
दैट इज योर किंगडम। जब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो किंगडम प्लांटे ही होते हैं ना, किंगडम प्लांटे ऐसे आता है, डिवीजन सब डिवीजन राइट, मैग्नोलियोफाइटा मैग्नोलियोसीडा इस तरह से आते हैं, तो लास्ट में जाके आपकी स्पीसीज वैरायटी ऐसे करके आता है। तो इसमें पूछा है फर्स्ट यूनिट पूछिए तो वो आपका किंगडम हो जाना था राइट। सॉरी इसमें जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर डोमिनेंस एंड डोमिनेंस आएगी इंट्रैक्शन ठीक है। तो हिट्रोसिस मेनली डोमिनेंस की वजह से होती है ना, इसमें जो बिच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन लीड्स टू हिट्रोसिस ड्यू टू एपिसेसिस, तो डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इंट्रैक्शन जो होगी। नेक्स्ट आपका द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इरीगेशन एट द सीपी एमएम इन द गार्लिक इज, तो रिकमेंडेड लेवल ऑफ इरीगेशन कितना होता है गार्लिक में सीपीई लेवल पे, मतलब क्यूमुलेटिव पैन वेपोरेशन पे, तो इसका राइट आंसर है आपका 60 एमएम। कैंपिलोट्रोपस ओब्यूल्स सुपीरियर ओबरी एंड टेट्राडिनमस एंड्रोशियम आर द स्पेशलिटीज इन, सुपीरियर ओबरी होती है ठीक है, कैंपिलोट्रोपस ओब्यूल होता है और टेट्राडिनमस कंडीशन में स्टेमन होते हैं, तो ये कौन सी ग्रुप में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि टेट्राडिनमस मतलब आपकी कॉलक्रॉप्स में पाए जाते हैं ना, दो छोटे होते हैं फोर लॉन्ग होते हैं, तो राइट आंसर इज बी कॉलक्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका मेजर कॉन्स्ट्रेंट लीडिंग टू द पुअर फ्रूट सेट इन टोमेटो अंडर द लो टेम्परेचर इज, टोमेटो में लो टेम्परेचर में हो जाता है आपका तो फ्रूट सेट पुअर होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, मेन रीजन जो है आपका टोमेटो में जो लो फ्रूट सेट होता है अंडर द लो टेम्परेचर दैट इज ड्यू टू योर पुअर एंथर डिसेंस। द पंजेंसी इन रेडिश इंक्रीजेस विद, रेडिश में जो पंजेंसी होती है वो इंक्रीज होती है विद योर मैच्योरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉलीफ्लावर वैरायटी डेवलप्ड थ्रू द सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन एंड सूटेड फॉर द रेनी सीजन इज, इनमें से कौन सी जो है क्वालिफायर की वैरायटी है जो कि रिकरेंट सिलेक्शन से डेवलप की गई है और रेनी सीजन के लिए सूटेबल है, तो राइट आंसर है आपका बी पंथ शुभ्रा। अब इसमें जो 22nd क्वेश्चन था मेल टू फीमेल रेशो फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कॉल क्रॉप शुड बी, मेल फीमेल रेशो कितनी होनी चाहिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, तो इसका राइट आंसर है आपका 1:1। नेक्स्ट है आपका द इंस्टीट्यूट विच हैज रजिस्टर्ड ए ट्रेडमार्क बेच फास्ट फॉर द रूफ टॉप गार्डनिंग इज, कौन सी इंस्टीट्यूट जो है जिसने की बेच फास्ट ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है स्पेस गार्डनिंग मतलब रूफ गार्डनिंग के लिए ठीक है, तो टेरिस गार्डनिंग है यानी के, तो इसका राइट आंसर है आपका सी आईसीआर सीपीआर है। आईसीआर का जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है स्पेशली जो जलंधर में इसका रीजनल स्टेशन है, उन्होंने ये बेच फास्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। कैरेट मोटल ड्वार्फ डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, कैरेट में जो मोटल ड्वार्फ डिजीज होती है तो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो इसका राइट आंसर है आपका कैवेरिला एजोपोडी ठीक है, कैरेट एफिड जो होता है कैरेट बिल्लो एफिड। नेक्स्ट है आपका टोमेटो वैरायटी कैपेबल ऑफ सेटिंग फ्रूट्स एट हाई टेम्परेचर, इनमें से कौन सी वैरायटी टोमेटो की जो कि हाई टेम्परेचर पे फ्रूट सेट कर सकती है मतलब होट सेट वैरायटी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए काशी अद्भुत। रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट जंथोमोनास कैम्पेस्टिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, ब्लैक रॉट के लिए जो रेजिस्टेंस है कॉलक्रॉप्स में वो सबसे पहले कौन से कल्टीवार में फाइंड आउट की गई थी, तो इसका राइट आंसर है आपका सी अर्ली फूजी जो कि एक जैपनीज कल्टीवार है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट डे बिटर गोड इज, तो जो आपका कल्टीवेटर बिटर गोड है अभी करंटली तो दैट इज योर एन्यूप्लॉइडी नेचर है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस कॉज्ड बाय, प्लांट एक्सिस में जो लेंथ बढ़ती है तो वो किस वजह से होती है, तो दैट इज ड्यू टू योर इंक्रीज इन एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन टू गेट हायर यील्ड इन रेडिश, रेडिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन कौन सा है टू गेट द हाई यील्ड, इसका राइट आंसर है आपका ए अर्थिंग अप। ए बिटर गॉड विद अ ड्वार्फ वाइन सूटेड फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग पिकलिंग एंड डिहाइड्रेशन इज, कौन सी वैरायटी है बिटर गॉड की जिसमें कि ड्वार्फ वाइन होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है और डिहाइड्रेशन के लिए भी सूटेबल है, तो राइट आंसर है आपका ए पूसा विशेष। नेक्स्ट इज बिटरनेस इन वाटरमेलन कंट्रोल्ड बाय सिंगल डोमिनेंट जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम, वाटरमेलन में जो बिटरनेस होती है वो सिंगल डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होती है, तो कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी इनहेरिट हुई है वाटरमेलन में बिटरनेस, तो दैट इज फ्रॉम योर सिट्रुलस कोलोसिंथोइडस से। द ब्रिंजल वैरायटी विद एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रीन फ्रूट इज अर्का शिरिस। नेक्स्ट इज बोटल गॉड वैरायटी अर्का नूतन इज कंसीडर्ड टू बी टोरेंट, अर्का नूतन जो बोटल गॉड की वैरायटी है तो ये किस डिजीज के लिए टोरेंट है, तो दिस इज टोरेंट टू योर गमी स्टेम ब्लाइट के लिए। विच ऑफ दिस इज ए शैलो रूटेड क्रॉप, इनमें से कौन सी जो शैलो रूटेड वेजिटेबल क्रॉप है, तो राइट आंसर है आपका सी अनियन। नेक्स्ट इज
विच ऑफ दिस इज ए लीडिंग एक्सपोर्ट कॉमोडिटी ऑफ इंडिया? भारत से जो लीडिंग एक्सपोर्ट कॉमोडिटी है, तो वेजिटेबल की बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल में आपका फ्रेश अनियन जो है वो लीडिंग है। द साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड हिट्रोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैबेज एंड ऑथर द बुक कॉल क्रॉप्स। कैबेज में सबसे पहले हिट्रोसिस रिपोर्ट की और कॉल क्रॉप्स बुक भी ऑथर की, तो ये किसने किया ऐसा? तो राइट आंसर इज बी, न्यू हॉफ ने। कॉल क्रॉप्स लिखी गई थी न्यू हॉफ के द्वारा इन 1969 में। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कॉलीफ्लावर। अब ये क्वेश्चन जो आपने देखा होगा कि जो लास्ट ईयर का ICRSRF का 2021 का वेजिटेबल साइंस का एग्जाम था SRF का, तो उसमें भी पूछा गया था और मैंने वो पेपर भी डिस्कस किया है, राइट। उसको मैंने इसके लिंक में डाल दूंगा आई बटन पे भी और लास्ट में एलिमेंट्स में भी, राइट। उस वीडियो को जो ICRSRF का जो वीडियो है हमारा 2021 का जो पेपर सॉल्व किया वेजिटेबल साइंस का, तो यहाँ पे सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस हो जाएगा आपकी 1000 मीटर। कॉलीफ्लावर में द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ट्यूबर प्रोडक्शन इन पोटैटोज, ये भी पूछा गया था उसमें। तो इसमें वैसे तो 18-20 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ के हिसाब से हो जाएगा 15-20 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर ट्यूबराइजेशन के लिए पोटैटो में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कुकुरबिटेसिन प्रेजेंट इन कल्टिवेटेड कुकुम्बर। कल्टिवेटेड क्यूकुम्बर में कौन से टाइप का कुकुरबिटेसिन होता है? तो इसमें होता है कुकुरबिटेसिन सी। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पॉडी मिल्ड्यू इन द मस्कमेलन कल्टीवर PMR6। मस्कमेलन में जो PMR6 जो कल्टीवार था पॉडी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस, तो उसमें कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, फ्लेविनोल, ग्लूकोसाइड एंड क्लोरोजेनिक एसिड। नेक्स्ट है सेक्स डिटरमिनेशन इन पॉइंटेड गोट इज गवर्न बाय। पॉइंटेड गोट में जो सेक्स डिटरमिनेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, हिटरोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल्स। विच ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप अमंग द 17 बाय 45 वैरायटीज ऑफ 8 क्रॉप्स डेडिकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द नेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO ड्यूरिंग द ईयर 2020 में 2020 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो 17 बाय 45 वैरायटीज रिलीज की गई थी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और बिलोंगिंग टू 8 क्रॉप्स, तो उन 8 क्रॉप्स में कौन सी एक वेजिटेबल क्रॉप भी थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, ग्रेटर याम। नेक्स्ट इज द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ कुकुरबिटा दैट इज पेरिनियल। कुकुरबिटा स्पीसीज जो कि कल्टिवेटेड है बट पेरिनियल नेचर है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कुकुरबिटा फिसिफोलिया। विच वन ऑफ द बेस्ट इज टू डिफाइन द ओबरी ऑफ एगप्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो ओबरी ऑफ एगप्लांट की फीचर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, एगप्लांट की ओबरी हाइपोगाइनस होती है, स्पीरियर ओबरी है, बाइकार्पिलरी होती है विद बेसल प्लेसेंटेशन। अगला क्वेश्चन है इन ए स्क्वेयर प्लांटिंग सिस्टम विद ए स्पेसिंग ऑफ 2 बाय 2 मीटर हाउ मेनी प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 हेक्टेयर। अगर स्क्वेयर टाइप का प्लांटिंग सिस्टम है 2 बाय 2 मीटर की स्पेसिंग है, तो 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट हम अकोमोडेट कर सकते हैं इस मेथड से? इसका राइट आंसर है आपका सी, 2500 प्लांट्स। द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ एमरेंथ आर, एमरेंथ की जो मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो कौन सी है? तो दैट इज योर एमरेंथस ट्राइकोलर एंड एमरेंथस डुबियस। नेक्स्ट इज स्क्वैश बी या गोड बी इज, जो स्क्वैश बी या गोड बी जो है वो किसको कहते हैं? तो स्क्वैश बी या गोड बी जो है तो दैट इज योर दो स्पीसीज हैं एक्चुअली हनी बीज में, ठीक है, पेपोनेफ्सिस स्पीसीज और एक जीनोग्लोसा स्पीसीज। तो ये दोनों स्पीसीज कौन से ट्राइब को बिलोंग करती है? यूसेरिनी ट्राइब को बिलोंग करती है। ट्राइब की बात आएगी तो यूसेरिनी आएगा, पर स्पीसीज कौन सी है? तो दैट इज पेपोनेफ्सिस एंड जीनोग्लोसा, ठीक है, ये स्क्वैश बी या गोड बी भी बोलते हैं इनको। द डिजायरेबल ड्राई मैटर कंटेंट फॉर द कैनिंग ऑफ पोटैटो शुड बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, less than 40%। अगला क्वेश्चन है द एपिलेट अथॉरिटी फॉर द सीड टेस्टिंग इन इंडिया, सीड टेस्टिंग के लिए इंडिया में जो एपिलेट अथॉरिटी है वो कौन सी है? तो दैट इज योर सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। गाइनोसिस लाइंस कंडीशन बाय द जीन जी हैव बीन आइडेंटिफाइड इन, इस क्रॉप में गाइनोसिस लाइन जो कि जी जीन के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है या कंट्रोल की जाती है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कुकुरबिटा फोर्टिडिशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रिप्लोइड पालक वैरायटीज आर डेवलप्ड यूजिंग, पालक की जो ट्रिप्लोइड वैरायटीज हैं उनको कैसे डेवलप करते हैं? यूजिंग योर CMS सिस्टम। 0.8 ग्राम NA इन 8 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो डेट इज अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू योर 100 ppm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्रिजिंग स्पीसीज टू सर्कमवेंट द स्टेरिलिटी इन इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस अमंग कुकुरबिटा स्पीसीज इज, कुकुरबिटा स्पीसीज में ब्रिजिंग स्पीसीज कौन सी है जो कि स्टर्लिटी की जो प्रॉब्लम आती है इन द इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस में, तो उसको ओवरकम करने के लिए ब्रिजिंग स्पीसीज यूज करते हैं, तो वो कौन सी है? तो राइट आंसर इज योर कुकुरबिटा लोंडेलियाना। नेक्स्ट है केमिकली कैप्साइसिन इज, केमिकल कैप्साइसिन जो होता है C18H27NO3। नेक्स्ट इज आई फॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर
तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1972। द सी टाइम्स इज ए मैगजीन पब्लिश बाय, सी टाइम्स जो मैगजीन है ये कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल सी टेस्टिंग लेबोरेटरी, PPBFRA, IRI न्यू दिल्ली या NSAI नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज योर DNSAI। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द फ्यूजरियम बिल्ट इन पीज, गार्डन पी में जो फ्यूजरियम बिल्ट होती है तो इसकी इनहेरिटेंस क्या है? फ्यूजरियम बिल्ट जो है इसमें सिंगल डोमिनेंट जीन है, ठीक है। द पालक जीनोम कंटेंस, जो पालक का जीनोम है उसमें क्या होता है? तो पालक जीनोम कंटेंस योर 8 आइसोबैक्टीरियल एंड 1 लॉन्ग हेटरोबैक्टीरियल क्रोमोसोम पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई क्रॉस पोलिनेशन इन कोल क्रॉप इज, कोल क्रॉप में जो हाई क्रॉस पोलिनेशन होती है किस वजह से होती है? तो डेट इज ड्यू टू SIR प्रोटोगनी, दोनों की वजह से होती है। हु एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, किसने एम्फेसाइज किया था कि रूरल यूनिवर्सिटीज जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए भारत में? तो इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट फर्स्ट यूनिवर्सिटी हैज बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन सी इंडियन स्टेट में, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे भारत की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की गई? तो राइट आंसर है आपका ए गुजरात में। द अर्ली मेच्योरिटी इन समर स्कैश इज गवर्न बाय, समर स्कैश में जो अर्ली मेच्योरिटी है तो डेट इज कंट्रोल्ड बाय योर डोमिनेंट जीन्स। नेक्स्ट इज, ए वाइल्ड स्पीसीज ओकरा डेट इज क्रॉसेबल इन बोथ डायरेक्शंस विद एबल मस्कस एस्कुलेंटस, ओकरा की वाइल्ड स्पीसीज कौन सी है जो कि दोनों डायरेक्शन में क्रॉसेबल है एबल मस्कस एस्कुलेंटस के साथ? वो है आपकी एबल मस्कस ट्यूबरकुलेटस। द कलर ऑफ ब्रीडर सीड टैग इज, ब्रीडर सीड की टैगिंग के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? गोल्डन येलो कलर। नेक्स्ट इज, द सीड एक्ट वाज एनेक्टेड इन, सीड एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? 1966 में। एडिबल ऑर्गन ऑफ एस्पेरेगस इज, एडिबल ऑर्गन क्या होता है एस्पेरेगस में? डेट इज योर टेंडर ग्रोइंग शूट जिसको हम स्पीयर भी कहते हैं। एग प्लांट स्पेसिफिक पिक्वेंट एंड बिटर टेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एग प्लांट का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है या बिटर टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है? तो डेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर सोलेसोनिन। एंथोसाइनिन रिच स्वीट पोटैटो वैरायटीज, डेट इज योर भू कृष्णा। नेक्स्ट इज, क्रोमोसोम नंबर ऑफ एग प्लांट एलिफेंट फुटियाम अमोर्फोफेलस कॉम्पुनोलेटस, जो एलिफेंट फुटियाम होता है उसमें डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डेट इज योर 2n = 2x = 28। इन पॉली हाउस विच टाइप ऑफ टोमेटो वैरायटीज आर ग्रोन, पॉली हाउस में कौन सी टाइप की टोमेटो वैरायटीज प्रेफर की जाती हैं? इसका राइट आंसर है आपका इनडिटर्मिनेट टाइप। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्यूकुम्बर वैरायटीज शुड बी ग्रोन इन प्रोटेक्टेड कंडीशन, प्रोटेक्टेड कंडीशन में कौन सी टाइप की क्यूकुम्बर की वैरायटीज को हमें ग्रो करना चाहिए? तो राइट आंसर है आपका डी पार्थेनोकार्पिक एंड गाइनोसिस। हाउ मेनी नंबर ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितनी टोटल एग्री एक्सपोर्ट जोन है? तो टोटल EEZ इंडिया में है आपकी 60 है। द नेम द अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द इंडिया, तो इस अथॉरिटी का नाम क्या है? दैट इज योर APIDA। विच मिनिस्ट्री डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम इंडिया, कौन सी मिनिस्ट्री जो है जो कि डील करती है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम इंडिया? तो राइट आंसर है आपका बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज, क्यूरिंग इज प्राइमरली डन इन विच क्रॉप, क्यूरिंग जो है मेनली हम कौन सी क्रॉप में करते हैं? तो क्यूरिंग जो है मेनली हम करते हैं आपके अनियन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डायोसिस वेजिटेबल क्रॉप, इनमें से कौन सी जो है वो डायोसिस है नेचर में, कौन सी वेजिटेबल? तो राइट आंसर इज सी पॉइंटेड गॉर्ड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मैपिंग पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी पॉपुलेशन है जिसको मैपिंग पॉपुलेशन की तरह यूज कर सकते हैं? रेज, डबल हैप्लॉइड, बैक्रोसिनेशन या ऑल ऑफ अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ अबव। ओगुरा इज ए सोर्स ऑफ सीमेसिन, ओगुरा सोर्स किस में आइडेंटिफाई किया गया था? रेडिश में। राइट आंसर इज बी मस्टर्ड। सीड प्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय सीड प्लॉट टेक्निक SPT किसने दी थी? डॉक्टर पुष्कर नाथ। राइट, टर्म फाइटो हार्मोन वाज कॉइंड बाय, फाइटो हार्मोन टर्म थी वो किसने दी थी? तो ये टर्म थी आपकी थीमन ने दी थी। राइट, नेक्स्ट इज, विच टिश्यूज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, कौन से टिश्यू को हम यूज करते हैं जब हमें हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में? तो इसका राइट आंसर है आपका सी वैस्कुलर टिश्यू। विच हार्मोन
इज यूज फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन वेजिटेबल। कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है फ्लावर इंडक्शन के लिए बहुत सारी बाइनियल वेजिटेबल क्रॉस में? तो राइट आंसर है आपका बी, जिब्रेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, टाइकोग्रामा ब्रेसिलेंसिस इज ए एग पैरासिटॉइड यूजफुल टू कंट्रोल। तो जो टाइकोग्रामा ब्रेसिलेंसिस स्पीसीज है दैट इज यूजफुल टू कंट्रोल योर फ्रूट बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटेशिया प्लूटेई इज ए डोमिनेंट लार्वल पैरासिटॉइड है किसका? ये लार्वल पैरासिटॉइड है आपका डायमंड बैक मॉथ का। ठीक है, कोटेशिया प्लूटेई इज ए डोमिनेंट लार्वल पैरासाइट ऑफ डीबीएम का। मोस्ट कॉमन लार्वल पैरासिटॉइड्स फॉर द फ्रूट बोरर हेलिकोबर्पम इज, जो मेजर पैरासिटॉइड है लार्वल पैरासिटॉइड फॉर द फ्रूट बोरर के लिए हेलिकोबर्पा के लिए, तो वो कौन सा है? तो दैट इज योर सी, कैंपोलेटस क्लोरिडियाई। पी के बी वाई स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है? तो दैट इज योर परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। फेमस बुक द वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन एन इंट्रोडक्शन टू द नेचुरल फार्मिंग एंड द नेचुरल, ये किसने लिखी थी? तो राइट आंसर इज योर ए, मसनोबु फुकुओका। नेक्स्ट इज, सिक्किम बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑन, भारत का पहला फुली ऑर्गेनिक राज्य बना था सिक्किम कब? इसका राइट आंसर है आपका बी, 18 जनवरी 2016 में। पोटैटो एंड अनियन कम्स इन विच रेट रेस्पिरेशन क्लासिफिकेशन? तो अनियन और पोटैटो की बात करें तो ये आते हैं आपके वेरी लो रेस्पिरेशन रेट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज, मिलार्ड रिएक्शन इज कॉज ऑफ ब्राउनिंग ऑफ स्टोर्ड वेजिटेबल, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज योर ए, यस, मिलार्ड रिएक्शन की वजह से ब्राउनिंग हो जाती है स्टोर्ड वेजिटेबल में। पोटैटो वैरायटी सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग के लिए, कौन सी वैरायटी सुटेबल है पोटैटो में? तो दैट इज योर कोफ्रीज चिप्सोना 2। नेक्स्ट इज, रूटनोन नेमाटोड रेजिस्टेंट टोमेटो वैरायटी, रूटनोन नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी टोमेटो है? तो दैट इज योर PNR7। चेरी टोमेटो इज, चेरी टोमेटो बोटैनिकली क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बार सिरासी फॉर्मे। नेक्स्ट इज, ब्लॉसम एंड रोट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ब्लॉसम एंड रोट जो होता है किसकी डेफिशिएंसी होता है? तो ब्लॉसम एंड रोट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अर्कामनी किसकी वैरायटी है? अर्कामनी जो है वो आपकी वाटरमेलन की वैरायटी है। अर्का सूर्यमुखी किसकी वैरायटी है? अर्का सूर्यमुखी जो है आपकी पंपकिन की वैरायटी है। पूसा रसदार किसकी वैरायटी है? पूसा रसदार जो आपकी बिटर गॉर्ड की वैरायटी है। राइट, नेक्स्ट इज, टेम्परेट रेडिश फ्रीली प्रोड्यूस सीड इन, टेम्परेट रेडिश की सीड प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं फ्री ऑफ माइंड इन द हिली रीजन्स में। पूसा नयन ज्योति इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा नयन ज्योति किसकी वैरायटी है? पूसा नयन ज्योति आपकी कैरेट की वैरायटी है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर वरेरी, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, क्वेश्चन पेपर हम इसमें सोल्व करेंगे सिंसियर वरेरी में जल्दी, जो दूसरे ICAR के SRF के एग्जाम है या दूसरी स्टेट इंस्टीट्यूशन के आपके PhD के एग्जाम है। और साथ में ये जो सीरीज है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही बेनिफिशियल है, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, चाहे वो बैंक की फील्ड हो या दूसरी कोई फील्ड हो। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।